स्वागत है आपका मार्क एकेडमी में। आज हम अपने इस क्लास में साइंस क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सभी कॉन्सेप्ट को वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि चैप्टर का नाम बताता है, ये केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस है। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण कहते हैं इसको हिंदी में। हमने इससे पहले भी पढ़ रखा है बच्चों कई बार, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज। हमारे चारों ओर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, उनमें से कुछ फिजिकल होते हैं और कुछ केमिकल होते हैं। जैसे आपने अपनी नोटबुक का पेज फाड़ दिया, वो फिजिकल चेंज है। अच्छा, फिजिकल चेंज में भी दो तरह के होता है, कुछ रिवर्सिबल और कुछ नॉट रिवर्सिबल। अब पेज को फाड़ दिया तो दोबारा आप उसको इस किसी सिंपल फिजिकल प्रोसेस से लगा नहीं सकते नोटबुक में। फिजिकल चेंज है बट नॉट रिवर्सिबल है। लेकिन आइस मेल्ट होती है, बर्फ जो है पिघल के पानी बनता है, ये रिवर्सिबल चेंज है। इसको दोबारा ठंडा करके आइस में बदल सकते हो। तो हमारे चारों जो चेंजेस होते हैं, हम उन्हें दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज का एग्जांपल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है या मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी है। कई बार हम लोग छोटी क्लासेस में, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा एग्जांपल दो जहां दोनों चेंज हो रहे हो एक साथ, फिजिकल भी और केमिकल भी। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ कैंडल है, जहां दोनों तरह के चेंज एक साथ होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। क्योंकि जब धागा, जब वैक्स मेल्ट होता है तो फिजिकल चेंज है, मोमबत्ती के जलते समय। फिर मेल्ट होने के बाद वो थ्रेड के साथ जलकर लाइट प्रोड्यूस करता है तो वो केमिकल चेंज है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया, दोनों चीजें एक साथ हो रही है, फिजिकल भी हो रही है और केमिकल भी हो रही है। तो ये हमारे इस चैप्टर में ये जो केमिकल चेंज होंगे उनको हम केमिकल इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल जो केमिकल चेंज होते हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और उन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है सिंबल की हेल्प से, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हमने आपको क्लास 9th का टेबल 3.6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, जिसमें एलिमेंट के सिंबल और उनकी वैलेंसी दी हुई है, पॉलीएटॉमिक आयंस के और आयंस के, वो आपको तैयार करने के लिए कहा है। क्योंकि इस चैप्टर में ये, क्योंकि क्लास 10 का पहला चैप्टर है, तो वो 9th वाला वो चैप्टर बहुत यूजफुल है केमिकल सिंबल और उसकी वैलेंसी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को लिखने में। तो वो जरूर तैयार कर लीजिएगा, अगर नहीं तैयार किया हो, तैयार किया है तो अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे फिजिकल चेंज की। चेंज इन स्टेट अकर बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, यानी स्टेट यानी फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये सब जो चेंज होता है वो फिजिकल चेंज है। कोई नया चीज नहीं बनता फिजिकल चेंज में। एग्जाम्पल के लिए पानी है, वाटर स्टीम में बदलता है, फिर वो अगर ठंडा कर दो तो वापस वाटर हो सकता है, गर्म कर दो तो वो आइस बन सकता है। तो ये उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ये आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा केमिकल चेंज, जहां पर कुछ नया बनता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, एक या फिर एक से ज्यादा कोई नया सब्सटेंस बनता है, नई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें दिखती हैं, तो वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज हमारे चारों ओर बहुत सारे होते रहते हैं। आप देखते हो गर्मियों में दूध खराब हो जाता है, टर्निंग ऑफ मिल्क, टर्निंग सोर, दूध का फटना केमिकल चेंज है। खाना खराब हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है अगर फ्रिज में नहीं रखा है तो, वो आपका केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता है, वो आपका केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, वो आपका केमिकल चेंज है। अब मान लो फल वगैरह है वो सड़ जाते हैं, कई बार रखे रखे सड़ जाते हैं, वो केमिकल चेंज है। तो ये सब केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हो गए। इसमें नया सब्सटेंस बनता है, कुछ नहीं। ये वाला एग्जाम्पल जो केमिकल, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, ये आपकी क्लास 8th में भी आपने पढ़ रखा है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, उसमें आयरन नेल डाल देते हैं, तो वो आयरन नेल के ऊपर कॉपर के डिपोजिशन हो जाता है, यानी ब्राउन हो जाता है, उसके ऊपर कॉपर जमा हो जाती है,
और वो सॉल्यूशन जो होता है कॉपर सल्फेट वाला फेड होके वो ग्रीन हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है। तो ये आयरन, ये लोहा है और ये कॉपर सल्फेट है जिसका सॉल्यूशन है ये। और फिर जब इनमें केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये आयरन जो है कॉपर को हटा देता है, खुद अपना सल्फेट बना देता है, यानी आयरन सल्फेट बन जाता है जो कि ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन। और कॉपर ना आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाती है, कॉपर की परत चढ़ जाती है लोहे की कील पर। क्लास 8 में भी ये वाला केमिकल रिएक्शन आपने देखा हुआ है। तो ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। अभी हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स है, मतलब कितनी तरह की केमिकल रिएक्शन से होती है, वो सब भी हम यहाँ जानेंगे। फिलहाल हम अभी ये समझ रहे हैं कि केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ती है, केमिकल इक्वेशन की हेल्प से, सिंबल की हेल्प से। वो सब हम यहाँ समझेंगे। ये एग्जाम्पल हो गया ये केमिकल रिएक्शन का। अब अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जब कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, कोई केमिकल चेंज हुआ है, तो कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे हो सकता है कि गैस प्रोड्यूस हो रही हो, जैसे आप लकड़ी जलाते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वो केमिकल चेंज है। तो गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है केमिकल चेंज में, या चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। अभी आपने इस चैप्टर में ज्यादा कुछ तो नहीं देखा है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस क्लास में एसिड बेस सॉल्ट का रिएक्शन देखा है, तो एसिड में कोई रिएक्शन होता है जैसे मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है हाइड्रोजन गैस। क्लास 8 में था ये, मेटल नॉन मेटल का चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। तो टेम्परेचर में चेंज आता है, कभी वो गर्म हो सकता है, कभी वो ठंडा हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में हो सकता है कि आपको गैस प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे, हो सकता है आपको टेम्परेचर में चेंज नजर आए, ठंडा होना, गर्म होना, वो भी केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल हो सकता है। कुछ बनता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, कुछ चीजें होती हैं जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाती हैं, तो कुछ डिजॉल्व नहीं होती हैं। तो जो डिजॉल्व नहीं होती है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, हिंदी में से अवक्षेप कहते हैं। तो समटाइम्स जो है प्रेसिपिटेट बन सकता है बच्चों किसी केमिकल रिएक्शन में, या कलर चेंज हो सकता है। हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का था वो ग्रीन हो गया, तो केमिकल चेंज की वजह से। तो ये एक किसी केमिकल रिएक्शन में ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। चेंज ऑफ स्टेट भी हो सकता है, कभी कभी गैस बनता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है मेटल धातु जब एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, तो उसमें जो गैस है स्टेट का ही तो चेंज है, वहां तो चीजें सॉलिड है या एक्वस है, बाद में गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है जैसे कि हमने वहां पे देखा। तो आपका स्टेट ऑफ जो है चेंज ऑफ स्टेट भी हो सकता है। ये कुछ चीजें आपको इनमें से एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा चीजें दिखाई दे सकती हैं कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये सारी इवेंट जो है एक केमिकल रिएक्शन में आपको दिखाई दे सकती है। अब जब किसी केमिकल चेंज को ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो केमिकल इक्वेशन है वो किसी भी केमिकल चेंज को, जो केमिकल चेंज हो रहा है हमारे आसपास या हम जो करवा रहे हैं, तो उस केमिकल चेंज को दिखाने के लिए केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट में ये लेफ्ट साइड हो गया, इधर रिएक्टेंट होता है, फिर ये एरो लगा देते हैं, और इधर जो बनता है वो एक से ज्यादा चीजें कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट होता है। लेफ्ट में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं अभिकारक, और प्रोडक्ट का मतलब बनता है उनके रिएक्शन से जो बनता है। जैसे अगर हम लकड़ी को या कोयले को जलाते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन करके बन जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे हम रिएक्टेंट कहेंगे और ये प्रोडक्ट है। इसे बैलेंस भी करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां देखो अभी
अच्छा ये बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि लेफ्ट में जितने होने चाहिए एलिमेंट के एटम उतने ही राइट में होने चाहिए, बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। क्लास 9th के 3rd चैप्टर में आप पढ़ा है आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपने पहला लॉ केमिस्ट्री का आपने पढ़ा है 3rd चैप्टर में। दूसरा आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था क्या 3rd चैप्टर में ही। तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट में रिएक्टेंट होते हैं, यानी लेफ्ट साइड में जितने एटम होंगे किसी एलिमेंट के उतने ही एटम राइट साइड में भी होने चाहिए, वो हम यहां सीखेंगे, इसी चैप्टर में सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसे हम बैलेंस करना कहते हैं। तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, केमिकल फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, किसी केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए जो हम सिंबल और केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, उसमें लेफ्ट में रिएक्टेंट को लिखते हैं और राइट में प्रोडक्ट को लिखते हैं। रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कुछ बनाते हैं और बनने के बाद जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, उसे हम राइट में लिखते हैं एरो के, यानी एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट, एरो के राइट में प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में एक और दे दिया आपको, यहां पर जिंक है रिएक्टेंट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है एसिड। देखो यहाँ एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये देखो हाइड्रोजन गैस बनता है, साथ में ये सॉल्ट बनता है जिंक सल्फेट। ये बातें हमने क्लास 8th में एसिड बेस चैप्टर में मेटल नॉन मेटल चैप्टर में किया हुआ है, यहाँ पे आपको सब वो चीजें एक साथ मिलेंगी करने के लिए। अब तो ये रिएक्टेंट हो गया लेफ्ट वाले और राइट में प्रोडक्ट बन रहा है, इनको हमने एक सिंबल की हेल्प से दिखाया, जिंक का सिंबल जैसे ZN, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला हो गया H2SO4। तो इसीलिए तो यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंबल और केमिकल फॉर्मूलों की मदद से जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं, है ना। ये जिंक का सिंबल हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया H2SO4, और जो बन रहा है वो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला, और ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल या फॉर्मूला H2। अब आप कई बार बच्चों के दिमाग में सवाल आता है अगर 9th क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा है कि हाइड्रोजन गैस को H2 ही क्यों लिखते हैं, एच क्यों नहीं लिख देते हैं? नहीं, वैलेंसी का लॉजिक नहीं है इसमें, है कि हाइड्रोजन जो है डाई एटोमिक है, एटोमिसिटी आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन ये सब डायटोमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक, यानी दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये भी आपकी बुक में टेबल है, मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक और पॉली एटोमिक, टेट्रा P4 ना फॉस्फोरस का, और पॉली एटोमिक S8 सल्फर का, मोनो एटोमिक जिसमें एक ही एटम से मॉलिक्यूल बनता है आर्गन वगैरह नोबल गैस, ऑक्सीजन डायटोमिक है O2, जहां कहीं भी लिखेंगे ऑक्सीजन गैस O2, एटम के लिए O है पर गैस के लिए O2 है। तो क्लास 9th में ही है, एटोमिसिटी कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए आपको हाइड्रोजन गैस जब भी लिखना है H2 गैस के रूप में लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये क्लियर हो गया है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हम केमिकल फॉर्मूले और सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट में रिएक्टेंट और राइट में प्रोडक्ट, उसे हम एक केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब जब किसी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ सिंबल वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब जो एलिमेंट का सिंबल है, कंपाउंड का फॉर्मूला वो तो है ही, साथ में वो कंपाउंड किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, प्रेसिपिटेट है, वो सब भी ब्रैकेट में दिखाया जाता है। तो सॉलिड के लिए S सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ब्रैकेट में, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G, अगर एक्वस है यानी वो अगर सॉल्यूशन के रूप में है तो AQ ब्रैकेट में लिखें, गैस है तो या तो आप एरो दिखा देते हैं या जी भी लिख देते हैं, गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो दिखा देते हैं कि गैस प्रोड्यूस हुआ है तो अप एरो से, और अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो डाउन एरो से, यानी कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो आप कहेंगे
एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता, नीचे बैठ जाता है पानी में या उस जो भी जिस चीज का भी वो सॉल्यूशन है, जनरली पानी का ही आपको मिलेगा, तो वो पानी में, पानी के जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व ना होकर नीचे बैठ जाता है बीकर में, टेस्ट ट्यूब में, वो होता है प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट के लिए पीपीटी भी लिखते हैं और इस तरह का डाउन एरो से भी दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, वो एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिख दिए जाते हैं। कई बार टेम्परेचर बताना पड़ता है कि ये जो रिएक्शन है इस इतने टेम्परेचर पर होगी। कई बार प्रेशर चेंज करना पड़ता है, कई बार सनलाइट की जरूरत पड़ रही है, कई बार कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है। आप कहोगे कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि दो बच्चों को आपस में लड़ा देते हैं और खुद शांत बैठे रहते हैं, जिसे शकुनी कहते हैं हम लोग उसे। महाभारत में शकुनी ने कौरव और पांडव को लड़ा दिया, उसे खुद तो युद्ध करना नहीं था, वो तो खुद तो कमजोर और विकलांग व्यक्ति था, चाहे मानसिक रूप से विकलांग समझो उसे, लेकिन वो कौरव और पांडव को उसने लड़ा दिया अच्छे खासा। भांजे तेरे साथ ऐसा हो गया, बदला तो बनता है। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे ही घर क्लास में बच्चे होते हैं टीचर से पिटवाने के लिए, सर हर्ष ऐसा कह रहा था। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में? कैटलिस्ट। मतलब बेचारा वो बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सर से पिटवाने के लिए या दो को बीच में बिठाने के लिए, इन्हें कैटलिस्ट कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, और जनरल लैंग्वेज शकुनी मामा कहते हैं। तो बता तो दिया, अब कैसे जैसे करोगे? कल की घटना मैंने जिक्र किया, अभी मुझे याद आ गया बोलते बोलते, कि टीचर से पिटवाना है तो कुछ ऐसा बोल दो। अच्छा, तो साइंस में इसे कैटलिस्ट कहना। अब आप आपस में बोलेंगे यार कैटलिस्ट वाला काम मत करो, ठीक है? तो कैटलिस्ट वगैरह को भी एरो के नीचे या ऊपर लिखा जाता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, कोई स्पेशल कंडीशन है, कैटलिस्ट वगैरह है, वो चीज आपको डाउन एरो के ऊपर या नीचे जहां भी जगह दिखता है वो लिख सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिसमें हम एरो के नीचे या ऊपर कुछ चीजें लिख सकते हैं, उसी का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, CO2 होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है, तो ये मेथेनॉल, आप इसी क्लास में चैप्टर 4 कार्बन के कंपाउंड मेथेनॉल अल्कोहल होता है, ये एक तरह से शराब की फैमिली का कंपाउंड है, लेकिन ये जहरीली वाली शराब, इसे यूज नहीं किया जाता। मेथेनॉल के बाद आता है एथेनॉल, हम कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे इसको अच्छे डिटेल में। ये केवल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एरो के ऊपर इस तरह से ये प्रेशर को लिख दिया, इधर सनलाइट और क्लोरोफिल लिख दिया, इसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके मेथेनॉल बनाती है एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी यहाँ प्रेशर बढ़ाया गया है, नॉर्मल प्रेशर नहीं है, 340 प्रेशर प्रोड्यूस किया गया है। और दूसरा वाला ये है आपका, जैसे दिख ही रहा होगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्लांट करते हैं ना फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, प्लांट अपनी लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं स्टोमेटा के जरिए, जड़ों से वाटर लेते हैं, क्लोरोफिल उनकी लिप्स में पहले से ही प्रेजेंट होता है, सनलाइट की हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन गैस और वाटर। तो ये ऑक्सीजन गैस हम लोगों के लिए आ जाती है काम, सांस लेने में काम आती है, इसलिए कहते हैं ना कि प्लांट्स लगाएं तभी तुम्हें शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध हवा बोले तो ऑक्सीजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण, ऑल द ग्रीन प्लांट्स है ना, जो सनलाइट में क्लोरोफिल के हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, उसी 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 केमिकल रिएक्शन को यहाँ दिखाया गया है, फूड बनाने के प्रोसेस को। ये रिएक्शन भी हम क्लास 10th के चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे ये वाला रिएक्शन। तो यहाँ मेथनॉल वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, ये चैप्टर 6 में बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। इसे हम फोटोसिंथेसिस यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन और वाटर। तो यहाँ एरो के ऊपर और नीचे चीजें लिखी जा सकती हैं, उसका ये एग्जांपल है। अब
हमने आपको अभी तक ये समझाया कि केमिकल इक्वेशन क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए जब हम फॉर्मूले और सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। लेकिन केमिकल इक्वेशन में जैसे याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है पहले वर्ड इक्वेशन दिमाग में होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर और आयरन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो हम उसे शब्दों में जब लिख देते हैं, वाटर आयरन प्लस वाटर आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो उसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। याद करने के लिए यही होता है, पढ़ने के लिए भी होता है। अब हमने पीछे आपको पढ़ के सुनाया, जो हमने यहां CO2 नहीं बोला, हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज ऑक्सीजन गैस और वाटर बना रहे हैं। तो हमने तो वर्ड का इस्तेमाल किया ना समझाने के लिए, इसी को वर्ड इक्वेशन कहते हैं। यानी आपके अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ड इक्वेशन क्या है, तो जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ड इक्वेशन है वो। अच्छा, याद करने के लिए वर्ड इक्वेशन ही जरूरी होती है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें पता होना चाहिए वाटर बोल रहे हैं तो उसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, जब हम बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका केमिकल फॉर्मूला CO2 होता है, ग्लूकोज बोल रहे हैं तो उसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये पता होना चाहिए या हमें वो सीखना है या याद करना है। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको जो बताई थी ना टेबल 3.6 वहां से बन जाती है, केमिकल फॉर्मूले वहीं से बन जाते हैं। तो वर्ड इक्वेशन क्या हो गया, किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम केवल वर्ड में दिखवाते हैं तो उसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं, शब्दों में दिखाते हैं, यानी शब्द समीकरण। अब इसके बाद स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल इसको कंकाल भी कहते हैं, स्केलेटल मतलब कंकाल। आपने क्लास 9th में चैप्टर कौन सा 7 में टिश्यू वाले में 6 हाँ 6 टिश्यू वाले में पढ़ा स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स हमारे बोन्स के साथ कनेक्ट है और उनके मूवमेंट में हेल्प करती हैं उसे स्केलेटल मसल कहते हैं। तो यहाँ भी इसीलिए उसका नाम कंकाल है, कंकाल, इसको हिंदी में कंकाल समीकरण कहते हैं, या नॉर्मल क्या है तो अनबैलेंस्ड। अब जैसे एग्जांपल्स इस बात को समझो, क्या है एक स्केलेटल इक्वेशन, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑन ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन एग्जाम्पल दे तब समझ में आएगा। जैसे यहां पर आयरन और वाटर, एक्चुअली ये वाटर ना यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली लिखा नहीं है, गैस के फॉर्म में होता है, स्टीम के फॉर्म में होता है, क्योंकि अभी ये कम्प्लीट लिखा ही नहीं हमने। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं आयरन और वाटर यानी स्टीम, ये आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में आयरन के 3 एटम है और राइट में, सॉरी लेफ्ट में 1 एटम है और राइट में 3 एटम है, तो बैलेंस है ही नहीं है। लेफ्ट में जितने एलिमेंट के जितने एटम हो उतने ही राइट में होने चाहिए, तब वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। जब बैलेंस नहीं है अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये स्केलेटल है, अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना होगा हमें। तो ये आयरन जो है एक मेटल हो गया और स्टीम यानी इसके साथ स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो रस्ट, ये रस्ट है, जंग जो लगती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस है। बट ये एग्जांपल है स्केलेटल या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का, क्योंकि लेफ्ट में जो आयरन है 1 है, राइट में 3 है, लेफ्ट में ऑक्सीजन का 1 है, राइट में 4 है, लेफ्ट हाइड्रोजन तो ठीक है, हाइड्रोजन का लेफ्ट में भी 2 है और राइट में भी 2 है। तो अब इसको केमिकल इक्वेशन जो कि अनबैलेंस है, इसे बैलेंस करना सीखना है, अगला टॉपिक है कैसे बैलेंस किया जाता है। तो मैं इसी एग्जांपल से शुरू कर देता हूं बैलेंसिंग का। जैसे यहां पर देखो आयरन, आपकी तो बुक में बताया हुआ कि ऐसे बॉक्स बना दो, बॉक्स का मकसद ये होता है कि आप जो भी यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ऐसे बॉक्स बना दो, बनाओ या मत बनाओ, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आपको कुछ लिखना है तो यहाँ लिख सकते हो ऐसे, यहाँ नहीं लिख सकते ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इसे फॉर्मूला बदल जाएगा। कोफिशियंट को बैलेंसिंग करते समय हमें यही ध्यान देना है। तो आप बैलेंसिंग का नियम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है,
हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं और कई बार अगर चेंज करना हो तो उसे क्लीन करके दोबारा से लिख देते हैं, उसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब बैलेंस, अब हमें इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हमें उस एलिमेंट पे ध्यान देना होगा जो इसमें सबसे ज्यादा नंबर में हो। तो उसमें आपका दिख रहा है रस्ट के अंदर ऑक्सीजन है 4, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, पर ज्यादा नंबर में हो। बस एक ही चीज का है, बाकी प्रैक्टिस से आएगा आपको। ये जो चीज बता रहा हूँ आपको बैलेंसिंग का, बच्चे बहुत ज्यादा इस चैप्टर में इशू क्रिएट करते हैं, सर बैलेंसिंग सिखा दो, बैलेंसिंग सिखा दो। तो इसके लिए अलग से आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, पर बेसिक नियम जो है वो ये है, आप जो भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करने जा रहे हो उसमें पहले उस एलिमेंट को देख लो जिसका नंबर ज्यादा हो। तो नंबर ज्यादा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम है, और इधर देखें ऑक्सीजन का तो 1 एटम है, तो यहाँ 4 लगा दो, यहां मत लगाना 4, इधर लगाना है 4। अब इसके बाद आयरन का इसमें इसी को पहले पूरा कर लेना, तो आयरन के 3 एटम है और इधर 1 है, 3 यहां लगा दो, आयरन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का इधर अब 8 हो गए, क्योंकि 4 ही लगाने से 4 × 2 = 8 हो गया। H2 के 4 एटम है, H2 मॉलिक्यूल के 4 मॉलिक्यूल हो गए, तो 8 हो गया वो, और इधर 2 है, तो यहाँ 4 लगा दो, अब बैलेंस हो गया। तो कितना आसान है बैलेंस करना, अभी हम इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगला स्टेप जो है, देखो पहले क्या है, पहले हमें समझना है कि यार ये जो केमिकल चेंज आ रहा है एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शन की वजह से आ रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें पहले वर्ड इक्वेशन आपने देखा, फिर ये अनबैलेंस इक्वेशन देखा जिसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, अब इसको बैलेंसिंग करना सीखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। तो 9th क्लास में ही हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट स्टेट दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें लेफ्ट में जो रिएक्टेंट है उनमें नंबर ऑफ एटम और राइट में जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ एटम सेम हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना। वो लॉ मैंने आपको बता दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस किसे कहते हैं, वही अभी जो बताया कि जो नंबर ऑफ एटम हो हर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में वो सेम रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। द केमिकल इक्वेशन मींस द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड, इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग करने का कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेट्स सी। मेथड मैंने आपको बता दिया, हीट एंड ट्रायल मेथड है, अभी जस्ट पीछे बताया था मैंने कि कई बार हमें इसमें चेंज करना पड़ता है अगर बैलेंस बिगड़ गया तो। तो उसमें शुरुआत वही है कि हमें उस एटम से करनी पड़ती है जिसका सबसे ज़्यादा नंबर हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए सीधा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे ये है, मैंने आपको मैसेज इसीलिए ड्रॉप किया था कि आप प्लीज़ वो फॉर्मूला याद करके आए, वो बैलेंसिंग का वो चैप्टर ही आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग पक्की होगी। अब एग्जांपल है यहाँ पे राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, तो हाइड्रोजन गैस का सिंबल H2, क्लोरीन गैस के लिए Cl2, यानी वो टेबल भी देख लेना एटोमिसिटी की। Cl2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन डाई एटॉमिक है, गैस के रूप में वो दो एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है क्लोरीन का, और बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बन गया। अब कुछ बच्चों का ना क्या करते हैं, नादानी करते हैं, अरे सर H2 लिख दो Cl2 लिख दो ना, वहाँ दो दो है, यही तो समझने का लॉजिक है कि हाइड्रोजन क्लोराइड वो फॉर्मूला, इसलिए तो हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है, क्लोरीन की भी एक है। ये HCl मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि हाइड्रोजन की एक वैलेंसी है क्लोरीन की भी एक है, क्लास 9th में आपने देखा था क्रिस क्रॉस करते हैं ऐसे, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए HCl बना। तो आपको एटोमिसिटी भी पता होनी चाहिए जहां गैस का नंबर आएगा, और वो केमिकल जो, अगर ये आपको ये सीखना है कि HCl कैसा है या आगे कोई भी फॉर्मूला है, 90% फॉर्मूले जो है उस टेबल से तैयार हो जाते हैं क्लास 10th के,
केवल 10% है जो तुम्हें याद करने पड़ते हैं, या वो कार्बन कंपाउंड चैप्टर से होते हैं जिसमें आयंस नहीं होते, इसलिए। तो आपने अभी इसे बैलेंस भी करना है। देखो यहां पर सबसे ज्यादा एटम की अगर बात करें, दोनों ही दो दो हैं, किसी को भी स्टार्ट कर सकते हो बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ क्लोरीन को अगर आप बैलेंस करना चाहो तो यहाँ क्लोरीन का एक है, दो लगा दो, बैलेंस हो गया। दो लगाते ही हाइड्रोजन भी दो हो गया, क्लोरीन भी दो हो गया, लेफ्ट में भी हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन दो है, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई है। एक और देखो, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम की बैलेंसी क्या है और क्लोराइड की क्या है, ये आपको अगर याद है उस टेबल से, बेरियम और क्लोराइड, बेरियम की दो होती है, क्लोराइड की एक होती है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा BaCl2, क्योंकि यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है लेकिन ये 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो एल्यूमिनियम और सल्फेट, पहले देखो सल्फेट का तो आपको ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, उस टेबल में दिया हुआ है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो ये यहाँ गया और ये इधर आया, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ता है, Al2SO4 का थ्राइस। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस, ये बना एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एरो, बेरियम सल्फेट, बेरियम की भी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, तो BaSO4 ही रहेगा, उसमें 2-2 सिंपल होके कैंसिल आउट हो जाते हैं। अभी मैं आपको अभी पहला है, दूसरा इक्वेशन है इसलिए समझा रहा हूँ, आगे आपको खुद से ही समझना होगा, डायरेक्ट लिखना होता है हमें। तो बेरियम का 2, सल्फेट का 2, इस 2 को पहले सिंपल करके 1-1 कर दोगे, 1 लिखना जरूरी नहीं है, BaSO4 हो गया। तो बेरियम सल्फेट का BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड का, देखो एल्यूमिनियम और क्लोराइड, एल्यूमिनियम का 3, क्लोराइड का 1, तो AlCl3, ये है आपका, ये आपका पूरा बन गया केमिकल इक्वेशन। तो मैंने कुछ नया नॉलेज इस्तेमाल नहीं किया है, क्लास 9th में जो आपने सीखा है उसी का इस्तेमाल किया है। अब इसे बैलेंस करेंगे भाई, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिख के सारा केमिकल रिएक्शन लिखा है, बैलेंसिंग में देखना होगा कि क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है। जैसे आप मान लो शुरुआत इससे करते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के एटम 12 एटम है, क्योंकि 4 के 3 यानी 12 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ये 4 है, तो 3 यहाँ लगा दो, ये हो गया 12। सल्फर के 3 एटम है, 3 ही हो गया, आगे लगा दिया। एल्यूमिनियम के 2 एटम है, एल्यूमिनियम का यहाँ 1, यहाँ 2 लगा दो, इसके सारे एलिमेंट जो हमने यहाँ बैलेंस कर लिए। अब दूसरा किसी को कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन को करना है, क्लोरीन के 2 एटम है और यहाँ 6 एटम है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 3 का 2 है, 6 हो गया, तो यहाँ 3 लगा दो, 6 ये भी हो गया। बेरियम के 3 है, बेरियम के 3 है, आई थिंक बैलेंस ही हो गया अब सारा। एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 है, 2 है, सब बैलेंस हो गया। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, जिसमें हम ज्यादा जिस एलिमेंट के आइटम सबसे ज्यादा हो वहां शुरुआत करते हैं बस। इसमें बस यही ध्यान देना है कि जिस एलिमेंट का नंबर सबसे ज्यादा हो आइटम के, उससे शुरुआत कर लो, बाकी सब धीरे धीरे करते रहो। हाँ, पर आप ये जो लगाते हैं ना, इसे कॉफिशियंट कहते हैं, तो आप ये कॉफिशियंट ही लगा सकते हैं, आप इसके फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में ना प्रॉपर बोला हुआ है बॉक्स बना दो। बॉक्स बनाने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो आप ऐसा गलती मत करना यार, एक काम करो ऐसे यहाँ 2 लगा दो, 6 हो गया, क्योंकि वहां पे 6 था, ऐसे कुछ करने की कोशिश की, ये नहीं कर सकते आप, केवल कॉफिशियंट लगा सकते हो बैलेंसिंग करते समय। लाइक दिस, लेट्स सी क्या और भी है कुछ। हाँ अभी है, सोडियम का सिंबल Na, वाटर का सिंबल H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। अब ये मत पूछना NaOH कैसे, सर आपने याद किया है क्या, नहीं वो टेबल से ही तैयार होता है जो आपको कल बताया था याद करने के लिए, 3.6 टेबल। और हाइड्रोजन गैस का H2, ये तो फिलहाल अभी ये बन गया केमिकल इक्वेशन। अब इसे बैलेंस करो,
बैलेंस करने के लिए आप इसमें हाइड्रोजन का दो एटम है इधर लेफ्ट में और इधर भी दो तीन है, इधर दो और एक तीन, तो यहां पर दो लगा दो, अब चार हो गए इधर राइट में, तो यहां दो लगा दो, चार हो गए राइट में। ऑक्सीजन के दो हो गए इधर और इधर भी दो ही है, सोडियम के इधर दो है इधर एक है, तो यहां दो लगा दो, हो गया बैलेंस। तो कोफिशियंट को चेंज करके हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इसकी अलग से प्रैक्टिस करेंगे आप इसे कॉन्सेप्ट वीडियो में, तो बस एक कॉन्सेप्ट के लिए है। अब आप प्रैक्टिस तो चाहे कितनी भी कर लो उसकी, 10-20 इक्वेशन कर लो तब पक्का हो जाएगा। अब आओ बच्चों आते हैं, अभी तक हमने ये जाना कि हमारे चारों जो केमिकल चेंज होते हैं उन्हें हम वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं, फिर स्केलेटल में, फिर उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, फिर बैलेंस क्यों करना पड़ता है और बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब चीजें हमने समझा यहाँ पर। अब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, कई तरह के केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ समझने और पढ़ने हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक बनाते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ देखो, मान लो ए और बी मिलकर ए बी बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन है, संयोजन भी इसे कहते हैं, जुड़ना, इन दो चीजें मिलकर एक चीज बना रहे हैं इसे कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, नाम से ही मालूम चल रहा है। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे कार्बन वाला आपको पहले दिया था, कोयले को आपने जलाया, C+O2 CO2 बन गया, यानी ये दो चीज मिलकर एक चीज बन रही है, तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक्टिविटी है, आपकी बुक की पहली एक्टिविटी है, क्लास टेंथ के पहले चैप्टर की पहली एक्टिविटी है। मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसे सैंड पेपर से रगड़ना है, साफ करना है, सैंड पेपर से रगड़ते इसलिए ताकि अगर उसके ऊपर ऑक्साइड की कोई परत है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, तो उस परत को हटा दो जिससे जलना आसान हो। सैंड पेपर से रगड़कर ऑक्साइड की परत हटाते हैं, ये एक नंबर क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं, तो आप इसका आंसर दोगे ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। उसके बाद जब जलाते हैं तो क्या बनता है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का पाउडर बनता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO। और एक और नंबर का एक नंबर का एक क्वेश्चन और है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो जो फ्लेम बनती है उसका कलर क्या होता है, वो भी व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है, नहीं व्हाइट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है, व्हाइट कलर का पाउडर बनता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो तीन क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के, फ्लेम का कलर, पाउडर का कलर या पाउडर क्या है, और उसको साफ क्यों करते हैं सैंड पेपर से। अब इसी रिएक्शन को अगर आपने दिखाना है सिंबल के रूप में तो ऐसे लिख देंगे, मैग्नीशियम प्लस जब जलाओगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा O2 और ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, सॉलिड कलर, सॉलिड एस इसलिए लिखा हो क्योंकि पाउडर है, ऑक्सीजन गैस है और मैग्नीशियम रिबन भी सॉलिड था तो एस लिखा हुआ है। तो ये मैग्नीशियम रिबन को जलाने का केमिकल रिएक्शन है, Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और बैलेंस भी कर रखा है क्योंकि यहाँ 2 लगा दिया है, तो अच्छा यहाँ पे ये एक और 2 लगेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का दो आइटम है, दो है मैग्नीशियम, दो आइटम है, दो है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया बैलेंसिंग। और इसके बाद दूसरा रिएक्शन है यहाँ पे क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, चूने का पत्थर कहते हैं, उसमें जब पानी मिलाते हैं H2O तो रिएक्शन में, अभी हमने पीछे एग्जांपल बोला था आपसे, डिस्कस किया था, कभी कभी टेम्परेचर चेंज होता है, कभी कभी वो बर्तन गर्म हो जाता है, कभी कभी वो ठंडा हो जाता है, तो ये गर्म होने का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जब क्विक लाइम में पानी डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम बन जाता है, प्लस हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए यहाँ फिगर में दिखाया हुआ, छूकर देखोगे कंटेनर को तो ये आपको गर्म लगेगा। कैल्शियम पानी में जब कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट प्रोड्यूस होगी बनने के साथ, तो वो यहाँ पे जो टच करके देख रहे हैं वो इसी बात का इंडिकेशन है कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पीछे हमने आपको बताया था टेम्परेचर चेंज हो सकता है, गैस बन सकता है, प्रेसिपिटेट बन सकता है ना, तो वो सारी चीजें बस ये एग्जांपल है टेम्परेचर चेंज होने का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज फॉर व्हाइट वॉशिंग,
ये जो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड जब डालेंगे आप उसमें, क्विक लाइम जब डालेंगे पानी में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका इस्तेमाल करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, दीवारों को कलर करने के लिए। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद का, अच्छा आपने दीवारों पे जैसे आपने कलर लगा, वो चूना लगा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो लगा दिया, तो वो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ वो रिएक्ट करती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, मतलब एक चमकदार एक परत बना देती है दीवारों पर। यानी जब गीला होता है तो इतना अच्छा नहीं लगता, वो जब सूख जाती है दीवार तब अच्छी लगती है। तो वो यही है, ये देखो ये आपका चूने का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दीवार पे जिसे आपने लगाया है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर के, और ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना देता है, प्लस वाटर सूख जाता है, हवा में सूख जाता है पानी। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये यहाँ पे उसी बात का यहाँ जिक्र किया हुआ है, स्लोली रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म आफ्टर 2-3 डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल, इट इज इंटरेस्टिंग नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल जिससे ताजमहल बना है उसका फॉर्मूला भी यही है। तो आप ये तो गर्व से कह ही सकते हो कि ताजमहल तो आपके घर भी है, क्योंकि व्हाइट वॉश तो सबके घर हो रखे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सबकी दीवारों पर चिपका हुआ है CaCO3, और वही मार्बल का फॉर्मूला होता है। तो हर घर ताजमहल है, हर क्लास ताजमहल है। एक और एग्जांपल है, हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां एक और एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के हेल्प से वाटर बनता है H2+O2H2O, रिएक्शन पहले से बैलेंस है। तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, वहां कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, यहां हो रहा है टूटना। यानी एक सिंगल कोई रिएक्टेंट है, उसको आपने गर्म किया और वो टूट गया और दो या तीन प्रोडक्ट बना दिया उसने, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। देखो यहां पर इन विच वन कंपाउंड डीकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट एज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहां पर ए बी था, इसको तोड़कर A+B बना दिया, अलग अलग बना दिया। तो यहां पर एग्जांपल है, देखो ये वाला कई बार क्वेश्चन आता है कलर को लेकर, मतलब ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इस चैप्टर में सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट है PbNO3, उसको जब गर्म करेंगे टेस्ट ट्यूब में तो लेड ऑक्साइड बन रहा है। देखो एक चीज था, सिर्फ एक चीज था लेड नाइट्रेट, और गर्म किया उसको, तो यहां पर एक दो तीन, तीन चीजें बन रही है, इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना, टूटना, वियोजन हिंदी में कहते हैं। यानी एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा का प्रोडक्ट बना रहा है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन लेड नाइट्रेट को, अब आपको ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट है, लेड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस है। तो जो इसमें क्वेश्चन बनता है, एक तो ये रिएक्शन पूरा करने के लिए आता है, ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। और एक मार्क्स का एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ब्राउन कलर की है, तो ये ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, NO2 गैस है। तो मैंने अक्सर देखा है जो इस रिएक्शन से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, वैसे केमिकल रिएक्शन तो आपको पता होना ही चाहिए, गैस से रिलेटेड कलर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो ब्राउन कलर की जो फ्यूम है वो कौन सी फ्यूम है, किस चीज की फ्यूम है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की फ्यूम है, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होता है वो कलरलेस होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो ब्राउन कलर की फ्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब ये आपका एग्जांपल होगा डीकम्पोजिशन का। और भी एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये भी डीकम्पोजिशन है। इसके अलावा ये फेरस सल्फेट है, इसको हीट कर रहे हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी डीकम्पोजिशन है। तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि टूटना, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है। अच्छा, ये जो एग्जांपल है जिसमें हम हीट कर रहे हैं, इसे थर्मल डीकम्पोजिशन भी कहते हैं, उसमें ये वियोजन भी कहते हैं, क्योंकि हीट करके तोड़ रहे हैं। तो डीकम्पोजिशन हम यहाँ पे तीन तरह का देखेंगे, हीट के हेल्प से, लाइट के हेल्प से, इलेक्ट्रिक के हेल्प से, करंट इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। तो ये हीट का दो एग्जाम्पल हो गया, ये भी हीट का एग्जाम्पल है, फेरस सल्फेट को अभी हमने पीछे ही देखा था, इसी रिएक्शन को देखा था, रिपीट हो रहा है ये रिएक्शन इस फिगर में, यहाँ पे करेक्ट वे ऑफ, यहाँ पे इस फिगर को यहाँ आपके सामने दिखाने का मकसद है
कि ये जो गैस प्रोड्यूस होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसको अपने फेस की तरफ नहीं करना है, उसको प्रॉपर करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्मेलिंग ऑफ द ऑर्डर। अच्छा क्यों, इसमें भी एक नंबर क्वेश्चन बनता है, साइंस के फिगर से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा हुआ, टेस्ट ट्यूब को 3-4 फिगर दे देंगे, टेस्ट ट्यूब की पोजीशन गलत होगी, हो सकता है लड़की अपने मुंह की तरफ लगा रही हो उस गलत फिगर में, तो आपको बताना होगा उनमें ढूंढ के उन सारे फिगर में कि करेक्ट फिगर कौन सा है। तो ये फिगर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है ये वाला फिगर। तो ठीक है, तो ये भी डिकम्पोजन का एग्जाम्पल है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बनती है उसका ऑर्डर बर्निंग सेंसेशन होता है, तो इसलिए इसको अपने फेस की तरफ नहीं करना है, किस तरह से ऑर्डर को लेना है वो यहां बताया हुआ है, फेस की तरफ नहीं करना है प्रॉपर तरह। चलिए, डिकम्पोजिशन के बाद ये थर्मल था, अब इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पे वाटर इसका एग्जाम्पल है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। लेकिन इस पर क्वेश्चन आता है अगली एक्टिविटी से, ये वाला भाई। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना, वाटर को तोड़ा आपने, वाटर का करंट पास किया, वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। तो अब जो ये रिएक्शन, ये जो फिगर है आपके एनसीईआरटी बुक से है सारे फिगर, हम उनके लिए धन्यवाद भी करते हैं कि हम उनके फिगर के जरिए आपकी मदद कर पा रहे हैं। यहां पर ये जो टेस्ट, ये पूरा अपरेटस है, इसमें दो क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। एक, जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो इसमें एनोड और कैथोड, जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है उसे एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव वाला होता है उसे कैथोड कहते हैं। जो नेगेटिव साइड से जुड़ा होगा वो कैथोड है, जो पॉजिटिव साइड से जुड़ा होगा वो एनोड है। ठीक है, तो अब सवाल इसमें ये है, प्लस और ये माइनस दिखा दिया मैंने। अब इसमें जो प्लस वाले की तरफ कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, माइनस वाले गैस, तो माइनस वाले की तरफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ये याद रखना, और प्लस वाले ने जो एनोड है उस पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है। एनोड, अच्छा याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको, हाइड्रोजन गैस जब भी बनेगा वो हमेशा माइनस वाले की तरफ बनेगा, हाइड्रोजन गैस माइनस वाले की तरफ बनेगा, ऑक्सीजन गैस क्लोरीन गैस वो हमेशा प्लस वाले की तरफ बनता है, क्योंकि आपके चैप्टर में आगे भी साइंस में चीजें आती रहेंगी। तो हाइड्रोजन गैस माइनस वाले रॉड पर बनेगा, और क्लोरीन गैस है या ऑक्सीजन गैस है वो प्लस वाले पर बनेगा। तो यहाँ पे आपसे अगर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि भाई हाइड्रोजन गैस किस एनोड या एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, कैथोड पर कौन सी गैस बन रही है, तो एनोड क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो उसमें आपका ऑक्सीजन गैस बनेगा, और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है उसमें हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो एक नंबर का ये क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रोड से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन आता है एक नंबर का, इसमें जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कौन सी गैस डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये देखो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो जब आप इसको तोड़ोगे H2O को तोड़ोगे, H2 बनेगा, O1 बनेगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल को तोड़ने या ये वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कौन सी गैस डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम होता है, तो वो टूटेगा तो डबल अमाउंट बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, कम उससे आधा बनेगा, जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा ऑक्सीजन होगा। ये इससे क्वेश्चन मिल गया। अब तीसरा एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब लाइट, सनलाइट। अभी पहले हमने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन जहां गर्म कर रहे थे, फिर हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जहां पे करंट से कर रहे थे, अब ये तीसरा है फोटोलाइटिक है, तीनों डिकम्पोजिशन ही। तो यहां पर एग्जाम्पल है, जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है, धूप में रखोगे तो सिल्वर और क्लोरीन गैस। यहां कलर का क्वेश्चन आता है, पहले सिल्वर क्लोराइड व्हाइट होता है, बाद में ग्रे हो जाता है और क्लोरीन गैस बनती है, या सिल्वर ब्रोमाइड है
और ये आपका सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है सनलाइट पर, मतलब इसको हल्की हीट से भी काम चल जाता है। सनलाइट का मतलब ये हुआ कि कम हीट में, कम हीट सनलाइट से हल्की सी हीट मिलेगी उससे भी ये केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये वाला बनता है कलर वाला कि पहले सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का था, बाद में ग्रे हो जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें, इसका कोई एप्लीकेशन बताना है आपको। तो इन दोनों केमिकल रिएक्शन के एप्लीकेशन है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जो नीचे लिखा हुआ है। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है तो उसमें इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह से कमर्शियल एप्लीकेशन हो गया इस केमिकल रिएक्शन का। अच्छा यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो अगले वाली स्लाइड पे हो सकता है लिखा हो। हाँ लिखा तो है, फोटोग्राफी पेपर हैज ए कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। इट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे उसी रिएक्शन को लेकर है जो पहले था, ये सिल्वर क्लोराइड हो व्हाइट होगा, जब धूप पड़ेगी तो ये क्या हो गया, ग्रे हो गया। यहाँ ग्रे दिखाने का प्रयास है, तो इस फिगर में कलर दिखाने का प्रयास है, ये ग्रे कलर का है। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट था लेकिन सनलाइट में पड़ने के बाद वो सिल्वर ग्रे हो गया और क्लोरीन गैस निकल गई, तो ये आपका डिकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद एक ये एक्टिविटी में, एनसीईआरटी की एक्टिविटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक में बॉक्स में है और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसे भी इंक्लूड कर लिया कि अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करते हो किसी टेस्ट ट्यूब में, तो आपको उस टेस्ट ट्यूब को छूने के बाद कैसा महसूस होगा। अब वो तो उसमें उसने लिख दिया, अब आप करने तो जा नहीं रहे, कर लो लैब में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ आपकी मदद करनी पड़ेगी। तो टेस्ट ट्यूब में जब आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया ना, तो ठंडा महसूस होगा छूने पर, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। एक्सो और एंडो, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो एक्सो। तो पहले जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था ना, जिसमें आप चूने के पानी में वो कैल्शियम ऑक्साइड डाला था, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन उसके बाद हमने जितने पढ़े डिकम्पोजिशन में, हीट दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया या सनलाइट का इस्तेमाल हुआ, ये सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो जिनको बाहर से दिया जा रहा है एनर्जी या हीट, सनलाइट के रूप में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में या हीट के रूप में। तो व्हेन वी मिक्स अ बेरियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड, द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो आपको टेस्ट ट्यूब कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। और एक केमिकल रिएक्शन नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको लिख दिया, आप इसे मतलब अपने नोटबुक में भी लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तीसरा रिएक्शन आ गया, देखो पहले हमने कॉम्बिनेशन किया, फिर हमने डिकम्पोजिशन किया, आप तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आप पहले से बहुत वाकिफ है, क्लास 8 में वही ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट जो ग्रीन हो जाता है वो डिस्प्लेसमेंट है, नाम से ही मालूम चल रहा है डिस्प्लेस। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से हटाकर खुद जुड़ जाता है, अपना खुद का वो बना लेता है सॉल्ट। ये है आपका डिस्प्लेस, जैसे ए प्लस बी सी, यानी ए ने क्या करना है, बी को भगाना है और खुद ए सी बना देना है और बी अलग हो जाएगा। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो कॉपर सल्फेट वाला, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, उसमें आयरन नेल डालते हैं, तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो आयरन उस कॉपर को उसमें से हटा के आयरन सल्फेट बना देता है, प्लस कॉपर अलग उस आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाती है, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन, यानी जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो हाइड्रोजन को हटाकर अपना बना लेता है जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, विस्थापन, हिंदी में से कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। हाँ, ए ज्यादा रिएक्टिव होगा बी से तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ऐसे डाल के रखे रहो कुछ नहीं होगा। हाँ, जब ए ज्यादा रिएक्टिव होगा बी से तो वो बनाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई ना कोई नया कंपाउंड। रिएक्शन डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल देखो, जिंक का कॉपर सल्फेट से है, क्योंकि आयरन वाला पहले दे दिया है तो उसको शायद यहां मैंने दिया नहीं हो, तो जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है और वो डिस्प्लेस होकर जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ये भी
इसमें भी ये जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को हटा रहा है उसके सॉल्यूशन से। यहां पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही वाला रिएक्शन है, आयरन नेल वाला जो कॉपर सेल में डालते हैं। ये कॉपर सेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसमें आयरन नेल ऐसे डिप कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद कुछ समय बाद जो इसका कलर जो ब्लू था वो फेड हो गया, लाइट ग्रीन सा हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल है। और आयरन नेल जो पहले ऐसे थी, बाद में इस पे ब्राउन कलर का कॉपर सल्फेट की डिपोजिशन हो गई, सॉरी कॉपर की डिपोजिशन हो गई, कॉपर सल्फेट की नहीं, कॉपर की, कॉपर इस पे डिपोजिट हो गया और सॉल्यूशन जो है वो आयरन सल्फेट का बन गया, ब्लू से फेड हो गया और वो लाइट ग्रीन जैसा हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का, आयरन कॉपर क्लोराइड लेड, कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, तो लेड जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये अपना लेड क्लोराइड बना लेगा, साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप इतने सारे एग्जांपल मिल गए, आपको समझ में आ ही गया होगा भाई, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। चौथा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, आयन आप पढ़ चुके हो, चार्ज पार्टिकल को आयन कहते हैं, तो आयनों का अदला बदली हो जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, देखो यहां बेरियम क्लोराइड है, इसमें बेरियम एक आयन है, एक क्लोराइड आयन है, बेरियम क्लोराइड जो बना है एक बेरियम से बना है, क्लोराइड से बना है, और सोडियम सल्फेट में सोडियम है और सल्फेट है, ये सब आयन है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से हमें भी समझ में आता है कि आपको कम समझ में आ रहा है या ज्यादा समझ में आ रहा है, हर बच्चे के हिसाब से, लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि हम क्लास में प्रयास करते रहे समझने का, चाहे वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां मैं समझा रहा था बच्चों, सोडियम एक आयन है और सल्फेट आयन है। 3.6 जो टेबल है क्लास 9th की, उसमें जाके देखो, सोडियम आयन है, उसकी वैलेंसी जो होती है एक है, सल्फेट की दो है, जब वो जुड़ते हैं तो Na2SO4N सोडियम सल्फेट बन जाता है, यानी हमें पता है कि दो आयन से जुड़ के बना हुआ है सोडियम सल्फेट। और फिर ये क्या करते हैं, ये जो बेरियम आयन है ये जुड़ जाता है सल्फेट के साथ, ये इसके साथ चला जाता है और सोडियम के साथ आ जाता है क्लोराइड वाला आयन, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, यानी ये सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होगा, जो स्टार्टिंग मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्रेसिपिटेट बनता है, तो नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब में, और जो सॉल्यूशन में रहेगा वो रहेगा सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक होता है जिसे हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये पानी में आराम से डिजॉल्व हो जाता है। जो पानी में डिजॉल्व होता है उसके आगे AQ लिखते हैं, जो नहीं डिजॉल्व होता वो प्रेसिपिटेट होता है, PPT लिख देते हैं उसे। अब प्रेसिपिटेट कभी व्हाइट कलर का है कभी येलो कलर का है, वो एक अलग बात है, आपके सिलेबस में है। तो यहां पर ये अब आप कहोगे सर ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या मतलब ये आयन क्यों अदला बदली कर लेते हैं। देखो ऐसा है ना कि इसके पीछे वैसे NCERT में कोई लॉजिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन कॉमन सेंस ये है कि सोडियम का क्लोरीन से ज्यादा गहरा रिश्ता है। देखो मैं एक एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूं, पार्टी में ए और बी दो लोग एक ही ऑटो में या एक ही गाड़ी में बैठ के गए, ठीक है साथ में रहते हैं, इतना तगड़ा वाला रिश्ता नहीं है, और सी और डी ये दूसरे गाड़ी में बैठ के गए, इनका भी आपस में बहुत ज्यादा अच्छा वाला रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ काम चला हुआ है, क्लास में कुछ आपके खास दोस्त होते हैं कुछ ऐसे नॉर्मल दोस्त होते हैं, तो ए और बी नॉर्मल दोस्त हैं, सी और डी नॉर्मल दोस्त हैं, लेकिन ए का रिश्ता सी से बहुत तगड़ा वाला है, ये खास दोस्त है इसका, और बी का खास दोस्त डी है, तो जैसे ही इन्हें मौका मिलता है पार्टी में, जब ये दोनों वो उधर क्योंकि वो उसके पड़ोस में रहता था वो उसके पड़ोस में रहता, तो पड़ोस के साथ में आ गए, लेकिन जब वेन्यू पे पहुंचे पार्टी में पहुंचे तो ये भाई साहब इसके साथ हो लिए, सेल्फी खिंचवा रहे हैं खाना खा रहे हैं, और ये भाई साहब इसके साथ हो लिए, इसे कहते हैं अंग्रेज साइंस में एफिनिटी। तो यहां जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये एफिनिटी के कारण ही होता है, है तो ये भी एक कंपाउंड, ये भी एक कंपाउंड है, बाद में नया क्यों बन गया, क्योंकि आयनों का आदान प्रदान हो गया,
भाई ए और बी दोनों नॉर्मल दोस्त हैं, सी और डी नॉर्मल दोस्त हैं, लेकिन अगर ए के साथ में सी जुड़ रहा है तो ये इसका बहुत खास दोस्त है, उसकी ज्यादा उससे अच्छी एफिनिटी है। वो तो मजबूरी है कि वो दोनों एक साथ उधर से आए, ये दोनों इधर से आए, लेकिन दोस्ती इनके आपस में, ये एफिनिटी कैसे इसको, इसलिए एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। सोडियम का क्लोरीन से अच्छी एफिनिटी है। फिलहाल ये चीजें आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात है। आपको तो सिर्फ ये समझना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, और एग्जांपल में ये दे दिया आपको, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट दोनों सॉल्यूशन है। देखो अभी दोनों सॉल्यूशन है, यहाँ कोई एक्वस नहीं है, यहाँ देखो मतलब दोनों, यहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, सब एक्वस ही है, एक्यू एक्यू, यानी दोनों सॉल्यूशन है। जब मिले तो एक तो बन गया प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का और एक बन गया सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का। तो आयन को एक्सचेंज हुआ है, अदला बदली हुई और कुछ नहीं हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहां पे उस टेस्ट ट्यूब में इसका दिखाया हुआ है, बेरियम क्लोराइड जो व्हाइट कलर का नीचे है, देखो बेरियम सल्फेट बनेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, इसलिए टेस्ट ट्यूब में देखो नीचे एक अलग से दिखा रखा है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन को दिखाने का प्रयास है। एक और एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अब ये जब रिएक्शन करेंगे सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, यहाँ भी प्रेसिपिटेट हो रहा है और डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है और सोडियम वो नाइट्रेट के साथ जुड़ रहा है। आई थिंक बैलेंस भी है ये रिएक्शन, दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं एलिमेंट के, सिल्वर का उधर एक है इधर भी एक है, क्लोरीन का एक है एक है, नाइट्रेट सोडियम का एक है ना, सही है बैलेंस है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और ये न्यूट्रलाइजेशन भी है, इसे भी आपने पहले क्लास 8 पे पढ़ रखा है। देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और HCl ये एसिड है, और जब दोनों को मिलाते हैं तो सॉल्ट NaCl और वाटर बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, एसिड और बेस आपस में मिलाए जाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हो रहा है। नेचर में हम देखते हैं ना सोडियम हमेशा क्लोरीन की तरफ भागता है, यहां भी देखो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा है, सोडियम क्लोराइड बनाया और साथ में वाटर बनाया। हम जो सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं साधारण नमक जो समुद्र से मिलता है, वो भी तो नेचर का ही है, वो भी तो नेचर से मिला है। तो नेचर में हमने देखा है सोडियम जो है क्लोरीन की तरफ भागता है, कारण क्या है पता है, सोडियम की भी एक वैलेंसी होती है क्लोरीन की भी एक होती है, वो जुड़ के उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है बड़े आराम से। अब ये अलग से एक्सप्लेन जरूर कर दिया है, पर है वो उसी का ही पार्ट जो पीछे हमने पढ़ा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, जिस रिएक्शन में कोई इनसॉल्वेबल सब्सटेंस बनेगा उसे प्रेसिपिटेट कहेंगे। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है बच्चों और ये सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो एक प्रेसिपिटेट है, वो नीचे डिपोजिट हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप जानते हो, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। पीछे अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं, बेस है ये एसिड है, सॉल्ट है और वाटर है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एक्स्ट्रा कर दिया है। मेन आपके एनसीईआरटी में कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, आगे हम पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये चार ही है मेन, तो ये उसी के पार्ट्स बना दिया न्यूट्रलाइजेशन वगैरह। अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, मेन इसमें याद रखना है, यहां पर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटल क्लोरीन वगैरह भी हो सकता है, नॉन मेटल क्लोरीन भी है। ऑक्सीजन या क्लोरीन जब जुड़ते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। रिडक्शन क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है या कोई और नॉन मेटल जुड़ रहा है, नॉन मेटल में जैसे क्लोरीन है, मैंने एग्जांपल के लिए याद रखना है, नॉन मेटल में क्लोरीन मान लो या ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन या क्लोरीन अगर ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, या
या दूसरी बात, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और देखो हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट इज रिमूव्ड। अब मेटालिक एलिमेंट कोई भी हो सकता है, मेटल में सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, तो हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो भी उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्लोरीन जुड़ रहा है तो भी उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो दोनों में कोई भी घटना हो रही है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन या कोई मेटल का। अच्छा याद कैसे रखोगे, देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, आपने अगर टेबल 3.6 देखा है आपने, तो उसमें आपने हाइड्रोजन वैलेंसी प्लस वन भी देखी है और हाइड्राइड की माइनस वन, दोनों वैलेंसी है, एक प्लस वन है एक माइनस वन है ना। तो जनरली हाइड्रोजन प्लस वन वैलेंसी जब शो करता है तो वो प्लस वाला मतलब एक वैलेंसी जब शो कर रहा है, और मेटल भी प्लस की वैलेंसी शो करते हैं। सोडियम का आपने अगर उसमें वैलेंसी देखा है प्लस वन है, कैल्शियम का प्लस टू है वैलेंसी, तो यानी प्लस वाले, यानी हाइड्रोजन भी प्लस में होता है, मेटल भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन सर मेटल रहेगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपने देखा ऑक्साइड टू थी, माइनस में टू है, और नॉन मेटल की वैलेंसी भी माइनस में रहती है, और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल ही है। तो अब याद रखने का क्या तरीका है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, या तो उसमें ऑक्सीजन यानी नॉन मेटल या ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, या प्लस वाला हाइड्रोजन या मेटल हट रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहां पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होके कॉपर ऑक्साइड हुआ, यानी यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। रिडक्शन इसका उल्टा, जो हमने पढ़ा उसका उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा कि या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या कोई नॉन मेटल जुड़ रहा हो, या हाइड्रोजन हट रहा हो या कोई मेटल हट रहा हो, रिमूव हो रहा हो। इसमें उल्टा कर दो, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो वो रिडक्शन है, या ऑक्सीजन अलग हो रहा हो, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो इसमें अलग होना चाहिए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो रिडक्शन में निकलता है ऑक्सीजन, हटना चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपने देखा हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, रिमूवल हो रहा था, तो यहां क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का एडिशन होना चाहिए। पीछे वाले में आपने देखा नहीं क्या, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है कि ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो रिडक्शन में ऐड होगा। और इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसमें रिमूव होना चाहिए। दोनों में से कोई भी घटना हो जाएगी तो उसे रिडक्शन कह देंगे, चाहे ऑक्सीजन का रिमूव हो जाए चाहे हाइड्रोजन का ऐड हो जाए, वो रिडक्शन है। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल रिडॉक्स का है, इसमें दोनों चीजें हो रही है, मैं आपको बताऊं कैसे। ये कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन यहाँ पे ये है H2। अब ये रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और ये कॉपर बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो गया क्योंकि उससे ऑक्सीजन हट रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये एग्जांपल है रिडॉक्स का, जहां दोनों चीजें हो रही हो उसे रिडॉक्स कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जब होता है किसी एक ही केमिकल रिएक्शन में तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। तो यहां रिडॉक्स है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होके वाटर बन गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होके कॉपर बन गया, ये रिडॉक्स है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, आगे ये पढ़ना है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीजन दे सकता है, आपके यहाँ कोई साबुन वाला एजेंट आता है तो साबुन देके जाता है ना दुकान पर कि भैया इनकी इन्होंने एजेंसी ले रखी है सीमेंट की, तो सीमेंट सप्लाई करते हैं, साबुन की एजेंसी ले रखी है साबुन सप्लाई करते हैं, मैच के एजेंसी ले रखी है मैच बॉक्स सप्लाई करते हैं दुकानों पर। तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वही हो गया, जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उल्टा हाइड्रोजन को रिमूव करने की जो क्षमता रखता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि आप दोनों के रिलेशन में आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन मतलब ये होता है कि या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, माफ करिए, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड कर दे वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या जो हाइड्रोजन रिमूव कर दे वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट, उसका उल्टा, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन ऐड कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट है, या जो ऑक्सीजन हटा दे वो रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा ही करना है आपको, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडॉक्स, जहां दोनों चीजें एक साथ हो रही हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ हो रहा हो तो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पहले डिस्कस कर लिया वाला रिएक्शन देखो, जब कॉपर को हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट कर रहे हैं, तो एक कॉपर बन रहा है और वाटर। तो मैंने अभी समझाया पीछे, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और कॉपर बन गया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसमें ऑक्सीजन जुड़ के वाटर बन गया, H2O बन गया। तो यहां दोनों चीजों, एक का रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर नहीं, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा हम कई, हाँ ये गलती करते हैं बच्चे, अगर कई बार पूछ लो ना बच्चों रिडक्शन किसका हो रहा है, सर कॉपर का। अबे कॉपर का रिडक्शन तब होगा जब उसके पास ऑक्सीजन हो, अगर कॉपर बोल दोगे तो उसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, रिडक्शन कैसे करेगा वो। भाई अगर आपके जेब में मोबाइल फोन है और वो चोरी हो गया तो ये बात समझ में आती है, किसी ने निकाल लिया तो मोबाइल फोन को, जब आपके पास था तभी तो निकाला, आप पहले ही आप फुकरे हैं, मोबाइल फोन है नहीं तो आप कैसे कह दोगे आपके मोबाइल फोन चोरी हो गया, होगा तभी तो चोरी होगा। तो जो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और रिडक्शन के बाद वो कॉपर बन गया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कई बार बच्चे कहते हैं सर वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, वाटर के पास तो पहले से ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन डाला हो गया उसमें, H2O2 बनाओगे क्या, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का, रट्टा मार रखा है, जो पहले पूछा तो वही पूछेंगे, सवाल बदल नहीं सकते क्या। एक बार दोबारा से, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। और कई बार इसमें ये भी पूछ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इसमें देख के बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता हो, हाँ कॉपर ऑक्साइड, मतलब जो बंदा रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तभी तो ऑक्सीजन दे रहा है वो किसी और को। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। समझना पड़ेगा भैया कॉन्सेप्ट को, बढ़िया से आराम आराम से अप्लाई करो, एक मिनट एक्स्ट्रा लेके चलो, 15-5 सेकंड तो एक्स्ट्रा ले लो बताने के लिए। फिर से एक बार सवाल, जिनको पता है वो बोलेंगे, जिनको नहीं पता वो सिर्फ सोचेंगे और सुनेंगे। यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में, यार ये मत देखना यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, परफेक्ट। अब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड, परफेक्ट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूस कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। जो लेगा वही रिड्यूसिंग एजेंट है, जो हटाने की क्षमता रखता है। ये तो बेचारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होकर किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब ये किसी को रिड्यूस कर रहा है। भाई खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तभी तो किसी को रिड्यूस करके तो उसको मिला ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन यहां रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। बहुत सिंपल सा रिलेशन है। अगर आपने किसी को मोबाइल दिया इसका मतलब आप मोबाइल गिवर हैं, उसी तरीके से आप ये भी तो कह सकते हैं कि आप मोबाइल लूज कर रहे हैं, किसी को मोबाइल दे रहे हैं तो आप खुद तो अपना मोबाइल लूज कर रहे हैं ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो यहां कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बाकी आप बार बार वीडियो को देखना या क्लास में डिस्कस करेंगे, अब ज्यादा लंबा एक ही चीज को क्या खींचने मतलब है। यहाँ क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, जिंक बन गया और कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। यहाँ पे जल्दी से बता दो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एक ही बार 5 सेकंड एक्स्ट्रा लेकर सही से बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। कार्बन, परफेक्ट, क्योंकि कार्बन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिंक ऑक्साइड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मुझे ये बताओ यहां पे रिड्यूस कौन हो रहा है, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पूछा, मैंने पूछा रिड्यूस कौन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन, फिर तो पक्का हो गया। अब आपका एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है और HCl से रिएक्शन करके मैग्नीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन गैस बन रहा है, यहां पे रिड्यूस कौन हो रहा है, नहीं रिड्यूस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना उसमें। आप पीछे वाले एग्जांपल में देखो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस का मतलब यहां पर ये रहा रिडक्शन वाला कमल, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रिमूवल किसका हो रहा है, MnO2 का हो रहा है, तो वो आपका रिड्यूस हो रहा है वहां पे, ठीक है। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाँ HCl, क्योंकि आपको वहां पे ऑक्सीजन क्या बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन और एक चीज और बताया था, या उसमें कोई नॉन मेटल भी ऐड हो जाए, ऑक्सीजन या नॉन मेटल ऐड हो जाए, तो यहां पर रिड्यूस तो ये हो गया, ठीक है, और ऑक्सीडाइज यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना इससे HCl से, और ये क्लोरीन बन गया, तो HCl यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको काफी अच्छा रहता है याद करने के लिए। एंडोथर्मिक नाम से पता चल रहा है, एंडो एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, बाहर अगर हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर हीट जा रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पीछे हम पढ़कर आए हैं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पीछे पढ़ा था वो एक्सोथर्मिक थी, उनमें हीट प्रोड्यूस हो रही थी, जैसे आप कार्बन को जलाते हो तो एक्सोथर्मिक है, कोयले को जला रहे हो एक्सोथर्मिक है, गैस जला रहे हो आप एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है। और जहां पे आप हीट दे रहे थे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट गर्म कर रहे थे तो टूट रहा था कैल्शियम ऑक्साइड में, तो वो एक्सो एंडोथर्मिक है। जहां पे आप थर्मल डिकम्पोजिशन आपने देखा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आपने देखा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन देखा, तो वहां पे एनर्जी आप दे रहे हो किसी ना किसी फॉर्म में, तो वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहां लिखा भी है ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। यहां पर ये रेस्पिरेशन का एक एग्जांपल है बच्चों, रेस्पिरेशन यानी हम जो सांस लेते हैं वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी से हम जिंदा रहते हैं, तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा है यहाँ पर क्विक लाइम चूने के पत्थर को बोलते हैं, उसे पानी जब मिलाते हैं, हमने देखा था बीकर में गर्म हो रहा था, टेस्ट चेक करा था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम बनता है और हीट एनर्जी निकलती है, तो यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है, पीछे देख कर आए हम उसका एंडोथर्मिक, जिसमें हीट लेंगे, कैल्शियम कार्बन गर्म कर रहे थे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा था, तो ये आपका एंडोथर्मिक है, जिसे आप बाहर से हीट कर रहे हैं वो एंडोथर्मिक है, जिसे आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब देखो बच्चों लास्ट के कुछ टॉपिक आ गए आपके चैप्टर के, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का असर पड़ना है, यानी यहां पर हम कई बार ऐसा होता है ना, एक वर्ड हम पढ़ रहे हैं कोरोजन का मतलब संक्षारण, ऊपर की परत का खराब होना मेटल का, खासतौर पे आप मेटल को देखोगे, लोहा खराब हो जाता है, रस्ट लग जाता है, लोहे आयरन पे रस्टिंग लग जाती है, कॉपर जो है वो काला, कॉपर जो है हरा रंग का बन जाता, कॉपर के ऊपर एक परत चढ़ जाती है हरे रंग की, कॉपर के बर्तन है वो हरे पड़ जाते हैं, गंदे गंदे से हो जाते हैं, और
चांदी की आपकी मम्मी जो सिल्वर की जो पायल पहनती है वो काली पड़ जाती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है इसे हम कोरोजन कहते हैं, ऊपर की परत का नुकसान होना। अब वो कोरोजन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? द प्रोसेस स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजॉल्व कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन से कई बार हो जाता है, वाटर से, एसिड से या गैस से। उससे जो ऊपर की परत खराब होती है उसे हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो आयरन की रस्टिंग जो होती है, मैंने आपको वहां पीछे बताया था कि स्टीम से होती है, वो इसी चीज को यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर दोनों को मिला के स्टीम बन रहा है और ये आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी रस्ट बन जाता है, Fe2O3H2O। ये है आपका रस्ट का एक फॉर्मूला है। द रस्टिंग ऑफ आयरन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये तो चलो रस्टिंग हो गया। कोरोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर्स, जो घर में रेलिंग्स वगैरह होती हैं या हमारी गाड़ियां जो होती हैं, ब्रिज पुल वगैरह होती हैं, जहाज वगैरह होते हैं, वो सब खराब हो जाते हैं रस्टिंग की वजह से, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस होता है। उसके बाद रस्टिंग से प्रिवेंट कैसे करते हैं? पेंट लगा के, ग्रीस लगा के, ऑयलिंग करके, गैल्वनाइजेशन करके। गैल्वनाइजेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर मेटल ऑन मेटल में, उसमें आपका जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं, किसी भी मेटल पे जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं, उसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं। जैसे लोहे के बर्तन वगैरह और लोहे के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर, खासतौर पे स्टील के जो आर्टिकल्स हैं उनपे। कॉपर का करो, यहाँ पे कॉपर की बात करेंगे। कॉपर जो है उसका चमक जो है वो लूज कर देता है कुछ समय बाद, तो उसका रीजन है कॉपर कार्बोनेट का ग्रीन कोटिंग बन जाती है कॉपर कार्बोनेट की। वो सरफेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ए ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट, यानी जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मॉइस्चर होता है, उससे रिएक्ट करके ये कॉपर कार्बोनेट बना देता है ग्रीन कलर की जो कोटिंग है। तो ये उसका रस्टिंग हो गया कॉपर का। इसी तरह चांदी के जो आर्टिकल होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस से रिएक्शन करके चांदी जो है सिल्वर सल्फाइड बना देती है। तो सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, इसलिए चांदी की जो जो आर्टिकल्स हैं, सिल्वर के जो आर्टिकल हैं, ब्लैक पड़ जाते हैं, क्योंकि एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसके साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं और वो सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं जो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए जो सिल्वर के आर्टिकल्स हैं वो काले पड़ जाते हैं। तो ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? देखो अगर आप गर्मियों में आप खाने को फ्रिज में ना रख के ऐसे ही बाहर पड़ा रहने दो तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसमें स्मेल आने लगेगी, उसका टेस्ट ना, इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। जब ऑर्डर और टेस्ट चेंज होता है, खासतौर पर ऑयली फूड का, दाल को आपने फ्राई करके रखा हुआ है, बाहर ही रखा हुआ है, खराब हो जाएगा उसका, गर्मियों में आपने बाहर ही रखा हुआ है इसलिए फ्रिज में रखना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को जब किसी खाने से ऑक्सीजन रिएक्ट करके उसका ऑर्डर यानी या उसका स्मेल टेस्ट वगैरह चेंज कर देता है, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए ये तो दिस इज कॉल्ड विद ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन से ऐसा होता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं कई बार खाने की चीज़ें। ये तो जब इंडस्ट्रियल में हम नहीं डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो जैम वगैरह आता है ना, अब मार्केट से पिकल्स आ रहे हैं, जैम आ रहा है बना बनाया, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला होता है जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो। इसके अलावा वैक्यूम पैकिंग यानी उसमें से एयर निकाल देते हैं एकदम टेट्रा पैक, यानी उसमें एयर रहना नहीं चाहिए तो भी खराब नहीं होगा, या एयर में हटा के उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं चिप्स के पैकेट्स वगैरह में, तो वो भी रेंसिडिटी से प्रिवेंट करता है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि रिएक्टिव नहीं है, एयर को निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और रेफ्रिजरेशन वगैरह करते हैं, टेट्रा पैकिंग वगैरह करते हैं, फ्रिज में रखते हैं फूड स्टफ्स को, फ्रिज में रखते हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाता उस टेम्परेचर में, तो वो भी रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। तो ये सभी मेथड है बच्चों जो आपको रेंसिडिटी से प्रिवेंट करवाने में हेल्प करते हैं। इस तरह से आपका ये एक शानदार चैप्टर, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और इस फाउंडेशन सीरीज का पूरा फायदा उठाइए।